हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस किया गिवन बाय फेरारी। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन गिवन बाय कार्डन। हमारे पास इक्वेशन है, एक क्यूबिक इक्वेशन जो हमने लिख रखा है, और इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 15x इक्वल्स टू 126। आप देख सकते हैं कि x का जो मैक्सिमम पावर है 3 है, इसीलिए क्यूबिक इक्वेशन कहा जा रहा है। और इस इक्वेशन में एक खासियत है कि x स्क्वायर का टर्म जो है एब्सेंट है। तो देखिए, जिस मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, कार्डन मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कार्डन मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, एक्स स्क्वायर कंटेनिंग टर्म शुड बी एबसेंट होना चाहिए। तो इसमें ऑलरेडी एबसेंट है। अगर मान लीजिए एबसेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता, तो हम लोग उसको रिमूव करते, और रिमूव करने के लिए अलग सा टेक्निक है। तो अब सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसा क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें पहले से ही एक्स स्क्वायर कंटेनिंग टर्म एबसेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 15x, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, और ये मान लीजिए कि आपका फर्स्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट x equals to u plus v, हमने दो एडिशनल वेरिएबल u भी लिया है। इन प्लेस ऑफ u एंड v, वी कैन टेक अनदर पेयर आल्सो, लाइक p q r s हम ले सकते हैं। तो ये है, मान लीजिए कि आपका ये सेकेंड है। अब क्या करिए कि दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट। एक बात हम बताना चाह रहे हैं, अक्सर बच्चों से गलती हो जा करती है, जब भी आप स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, तो दोनों साइड करिएगा, तभी बैलेंस रहेगा। कभी क्या बच्चे क्या करते हैं, एक साइड स्क्वायर कर देंगे, दूसरे साइड एज इट इज छोड़ देंगे। तो ऐसा एरर नहीं करना है, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। क्यूबिंग जब भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। अब यहां पे देखिए, लेफ्ट इक्वेशन टू के लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिंगल है, सिंगल टर्म है। यहां पे देखिए दो टर्म है, यू भी है, वी भी है, मतलब इधर बाइनोमियल है। अगर आप क्यूब करते हैं तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस वी का क्यूब लिखेंगे। तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, इसके लिए जो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या है कि आप चाहें तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरीके से मैं बता रहा हूं, ये आप लिख लिए। इन दोनों में देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर 3ab है, तो विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इन प्लेस ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब वी कैन राइट आइदर दिस वन और दिस वन, जैसा हमारे पास सिचुएशन रहेगा वैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा देखिए यहाँ पर u प्लस बी होल क्यूब, चूंकि यहाँ पे वेरिएबल u भी है, तो हमने फॉर्मूला किसमें लिया है, a और b में लिया है, ताकि कंपेयर करने में सहूलियत हो सके। तो चलिए, ये है आपका x क्यूब, और इसे आप लिखेंगे u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3 u इंटू v Within bracket u plus v। देखिए सेकेंड में u plus v के लिए x है, तो यहां पे हम लोग u plus v के लिए x इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन जो बनेगा,
एक्स क्यू इक्वल्स टू यू क्यू प्लस वी क्यू और ये देखिए 3uv और ये x आ जाएगा। हमने यहां पे क्या किया है, सेकेंड का इस्तेमाल किया है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं यूजिंग सेकेंड, हमने सेकेंड का इस्तेमाल किया है। अब देखिए जो आपका 3uvx है इसे आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए, केवल 3uvx को ही नहीं इसको भी शिफ्ट करिए uq प्लस v क्यूब को, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, x क्यूब मिलेगा और माइनस 3uvx और ये माइनस विद इन ब्रैकेट uq और ये v क्यूब और ये मान लीजिए कि आपका थर्ड है, ठीक है, ये मैं इंक्लोज कर दे रहा हूं रेक्टेंगुलर बॉक्स में। अब जरा देखिए ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये 1, 3 को आप कंपेयर करिए जरा, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन कंपेयरिंग नॉट फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थ्री, वी हैव फर्स्ट और थ्री को कंपेयर करना है, एक्स क्यूब यहां भी है, एक्स क्यूब यहां भी है, माइनस 15x यहां देखिए माइनस 3uvx, तो मैं लिख रहा हूं 3uv, x का कोफिशिएंट देखिए 3uv है यहां पे, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, और ये आपका 15, और देखिए माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, तो मैं लिख रहा हूं uq प्लस vq इज इक्वल टू 126, ये मिल गया, यहां तक दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए अब यहां से आप uv निकाल लीजिए तो ये आपका 5 आ जाएगा। अब आप यहां से लिख सकते हैं दोनों साइड क्यूब कर दीजिए uq vq और ये 5 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 125। तो ये देखिए हमारे पास जो रिलेशन आया uq प्लस vq इज इक्वल टू 126 आया और uq इंटू vq इज इक्वल टू 125 आ गया। अब देखिए इन दोनों का बहुत यूज है, कैसी यूज बताता हूं। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स uq और vq हों, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स uq और vq होंगे। तो अगर इक्वेशन बनाना है तो हमारे पास एक वेरिएबल भी चाहिए, तो चूंकि x यहां पहले से आया हुआ है तो मैं जो वेरिएबल कंसीडर करने जा रहा हूं अदर देन x u v को छोड़ करके, तो मान लीजिए हम t इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो ये देखिए मैं t स्क्वायर लिखूंगा और माइनस सम ऑफ बोर्ड हिल रहा है, ओके, सम ऑफ रूट्स माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू जो वेरिएबल आपने लिया हुआ है और ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर। तो टी स्क्वायर हमारे पास वेरिएबल है, सम ऑफ रूट्स ये देखिए यू क्यू प्लस बी क्यू इतना है 126 टी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स uq इंटू vq आपका 125 और इक्वल टू 0। फिर से समझिएगा, हम लोग एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हैं जिसके रूट्स uq और vq हैं। अब यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया किसमें, t में, वेरिएबल t है,
क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टी का पावर कितना है? 2 पावर है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो जो मेथड हैं, पॉपुलर मेथड, एक है आपका बाय फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाकर ये देखते हैं कि किस तरीके से फैक्टराइज हो पाइए। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम यहां पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। तो देखिए ऑब्वियसली ये स्प्लिट हो जाएगा, आप भी समझ रहे होंगे कि -126 टी को कैसे हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे माइनस टी माइनस 125 टी। ये देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो -126 टी आ जाएगा, और जब इंटू करेंगे टी इंटू माइनस टी इंटू माइनस 125 टी तो आ जाएगा 125 टी स्क्वायर, जो कि टी स्क्वायर इंटू 125 के प्रोडक्ट के बराबर है। हमने -126 टी के लिए इतना लिखा है, और ये देखिए यहां पर 125 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे ट्राइनोमियल था, 1 2 3 टर्म था, क्वाड्रिक ट्राइनोमियल था, यहां पे टेट्रानोमियल हो गया, दो दो का पेयर बना लीजिए। तो मैं पेयर यहां बना लेता हूं या और यहां बना लेता हूं, इन दोनों में टी कॉमन फैक्टर, तो यहां टी बचेगा, यहां पे 1 बचेगा, इन दोनों में -125, तो ये टी बचा और -1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे देखिए पॉजिटिव है और यहां माइनस है, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में जाने पे यहां का साइन जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। ऐसे भी देखिए आपको चेक करना है तो आप ब्रैकेट खोल दीजिए, -125 इंटू टी, -125 टी आ जाएगा, -125 इंटू -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +125 आ जाएगा, मतलब सही है। अब टी माइनस 1 आप कॉमन ले लीजिए तो टी माइनस 125 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए दो फैक्टर आ गया और दोनों को दो लीनियर फैक्टर है, टी माइनस 1 टी माइनस 125, तो बाय 0 प्रोडक्ट रूल दोनों में से कोई एक फैक्टर निश्चित रूप से 0 होगा। तो फैक्टर यहां पे क्या क्या है, टी माइनस 1 है और टी माइनस 125 है, तो अगर टी माइनस 1 0 होगा तो टी की वैल्यू 1 आएगी, एंड इफ टी माइनस 125 विल बी 0 तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को टी की वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा और 125 मिलेगा। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है, टी में है, और हम लोग एक ऐसा इक्वेशन को सॉल्व किए हैं जिसके रूट्स यू क्यू और वी क्यू है। तो कहने का मतलब ये है कि टी की जो दो वैल्यूज आई है 1 और 25, इसमें से एक जो होगा यू क्यू होगा और दूसरा वी क्यू होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से यू क्यू मान लीजिए 1 अगर है तो उस केस में जो वी क्यू आपका हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप यहां से देखिए u कितना पाएंगे, 1 पाएंगे, और v कितना पाएंगे, ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ओरिजिनल जो इक्वेशन था हमारा, ओरिजिनल इक्वेशन किस में था, x में था, x को हम लोगों ने क्या लिया है, x को हम लोगों ने लिया है u प्लस 5 लिया हुआ है। तो मतलब जब हम u और v को प्लस करेंगे तब जाके हमें x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है x में है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरीके से x कितना मिलेगा, x जो मिलेगा हम लोगों को u प्लस v, और u यहां से हमने कितना पाया है 1 और ये 5 पाया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 6 जो होगा एक रूट होगा इस क्यूबिक इक्वेशन का, और जबकि चूंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे, 3 होंगे, उन 3 में से एक हम लोगों ने निकाल लिया है, हम लोगों के और दो रूट्स चाहिए, ऐसे x की वैल्यू चाहिए जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हॉर्नस मेथड अप्लाई करके हम लोग x माइनस 6 का जो रिमेनिंग फैक्टर होगा उसको हम लोग निकालेंगे,
ठीक है, हॉर्मिट मेथड अप्लाई करके, या तो फिर x माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स से आप इसमें डिवाइड करिए एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस 126 में, और डिवाइड करने के बाद जो आता है फिर उसको फैक्टराइज करिए। तो देखिए मैं हॉर्मिट मेथड लगा रहा हूं, तो बाय हॉर्नस मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो हॉर्नस मेथड पर भी एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया गया है बहुत पहले ही, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं वहां से, हॉर्नस मेथड अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए उसमें करते क्या है, हॉर्नस मेथड में जो आपके यहां पर देखिए इस इक्वेशन को, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो आप 1 लिख दीजिए, और इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो आप वहां 0 कर लीजिए। मैं यहां पे कोफिशिएंट लिख रहा हूं, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 0 एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस 15 है, और उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म तो माइनस 126 है, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, और x की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, 6 हमने लिख दिया। अब देखिए 1 को आप ऐसे आप कॉपी कर लीजिए आगे, 6 इंटू 1 करिए कितना आएगा 6 आएगा, यहां लिख दीजिए 0 और 6 ऐड करिए 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 करिए 36 आएगा, ठीक है, माइनस 15 है और ये आपका प्लस 36 है, ये आपका 21 आ जाएगा, 6 इंटू 21 ये आपका आएगा 126 आ जाएगा। जब इनको आप ऐड करेंगे, इनको आप प्लस करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, ये 0 क्या है, ये आपका रिमाइंडर है। तो इस तरीके से एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 के जो फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर x माइनस 6 होगा और दूसरा फैक्टर होगा 1x स्क्वायर, और ये देखिए 6x प्लस 6x और ये प्लस 21 ये होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन 1 है इसका लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दिस कैन बी रिटेन एज, मैं लिख रहा हूं 1 गिव्स x माइनस 6 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर आपको यहां से मिलेगा, मैं इसको घेर दे रहा हूं, तो x स्क्वायर प्लस 6x और ये प्लस 21 मिलेगा इक्वल टू 0। यहां पे देखिए दो फैक्टर आ गया, एक फैक्टर x माइनस 6 और दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो इसका मतलब कि बाय 0 प्रोडक्ट रूल x माइनस 6 विल बी 0, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, और दूसरा फैक्टर है आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21, उसको आप 0 के बराबर करेंगे। तो ये जरा ध्यान से देखिए ये क्या है, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से जो x की वैल्यू आएगी, एक वैल्यू 6 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू देखिए मैं सिरधारा चार लगा रहा हूं इसमें, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी आपका 6 है 36 माइनस 4 इंटू ए आपका 1 है, और ये सी आपका, मैं ये बोल रहा हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस टाइप से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ ए सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है और यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी यहाँ पे 6 है, कॉन्स्टेंट टर्म सी यहाँ पे 21 है, और सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक के लिए मैं यहां बता दे रहा हूं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। फिर से देखिए a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x है, c कांस्टेंट टर्म है, ये सिरधाराचार्य फॉर्मूला है, ठीक है, मैं उसी को लगा रहा हूं यहां पे। तो देखिए 4 इंटू ए 1 और ये सी आपका 21 है, तो 4 इंटू 21 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और ये आपका 2 इंटू ए तो 2 इंटू 1, तो कुल मिलाकर के आपका कितना आएगा,
देखिए 36 माइनस 84 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 48। ध्यान से देख लीजिएगा, ये देखिए माइनस 48 आएगा क्योंकि 36 माइनस 84 करना है, तो आपका आएगा माइनस 48 आ जाएगा। अब देखिए माइनस 48 है तो 48 को आप क्या लिखेंगे, 16 × 3 लिखेंगे। 16 क्या है, स्क्वायर नंबर है। और एक बात, रूट जो आ रही है नेगेटिव नंबर का रूट आ रहा है, मतलब यहां से जो नंबर मिलेगा इमेजिनरी नंबर मिलेगा। और देखिए अपॉन 2 भी है, अपॉन 2। तो कुल मिलाकर के जो सॉल्यूशन मिलेगा, यहां पे जगह है नहीं, मैं यहां कर दे रहा हूं, तो देखिए क्या मिलेगा, x की एक वैल्यू 6 मिल गई है और दूसरी मिलेगी माइनस 6 प्लस माइनस आई और ये 4√3। 4√3 देखिए कैसे आया, फिर से देखिएगा 4√3 बार बार बोर्ड हिल जा रहा है। देखिए 4√3 देखिए कैसे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां बता रहा हूं अंडर रूट में माइनस 48 है तो आप कैसे लिखेंगे, माइनस 16 × 3 लिखेंगे, 16 आपका रूट के अंदर है तो आप इसको लिखेंगे रूट के अंदर लिखेंगे 16 × 3 और ये माइनस 1 के लिए आई स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के आपका ये आ जाएगा 4√3 और ये आई आ जाएगा, क्योंकि 4 आपका क्या है, स्क्वायर नंबर है और अंडर रूट में आई स्क्वायर है तो आई लिख दिया, और ये 3 जो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो केवल √3 रहेगा और डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 6 तो ऐसे ही रहेगा और यहां आपका आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस आई 2√3। और इस तरीके से हमें जो है 3 सॉल्यूशंस मिल गए। सॉल्यूशन क्या क्या होगा, एक 6 हो गया और ये माइनस 3 प्लस आई 2√3 ये मिला और माइनस 3 माइनस आई 2√3। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ही जरूरी है। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, x³ - 18x = 35। ये भी देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। तो इक्वेशन जो बनेगा आपका x³ - 18x - 35 = 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। हमें कार्डन्स मेथड अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन, कार्डन्स मेथड अप्लाई करने के लिए इक्वेशन में सेकेंड डिग्री टर्म एब्सेंट होना चाहिए, तो ऑलरेडी एब्सेंट है। अब प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम लोग अलग से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर हमारे पास सेकेंड डिग्री टर्म अगर प्रेजेंट अगर है तो किस तरीके से उसको हम रिमूव करेंगे। इसमें हमने जो क्वेश्चन लिया है सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था जिसमें कि सेकेंड डिग्री टर्म ऑलरेडी पहले से एब्सेंट है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि कोई दो न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लेट मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं x के जगह पे u+v। ये कह लीजिए कि x = u+v मैं लेने जा रहा हूं और ये है आपका सेकेंड, मान लीजिए हमें x³ चाहिए तो मैं सेकेंड का क्यूब करने जा रहा हूं। तो देखिए जब भी आप स्क्वायरिंग करिए क्यूबिंग करिए तो दोनों साइड करिएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चों से गलती हो जाया करती है, एक साइड स्क्वायर कर देते हैं क्यूब कर देते हैं और दूसरे साइड ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी एरर नहीं होनी चाहिए, कॉमन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो कॉमन हमें क्यूबिक करनी है x³, राइट हैंड साइड में u+v का क्यूब करना है तो आप लिखेंगे u³ + v³ + 3uv विदिन ब्रैकेट u+v। इन प्लेस ऑफ u+v आप x इस्तेमाल कर लीजिए यहां पर। तो इस तरीके से आपको राइट हैंड साइड मिलेगा u³ + v³
और ये प्लस 3uv और ये x मिल जाएगा। अब क्या करिए कि राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटीज है उनको आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा। हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3uvx माइनस uq प्लस vq और ये है आपका थर्ड। देखिए फर्स्ट और थर्ड को आपको कंपेयर करना है, तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, फर्स्ट थर्ड को आप कंपेयर कर लीजिए। देखिए फर्स्ट भी क्यूबिक इक्वेशन है और आपका थर्ड भी क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब यहां भी है एक्स क्यूब यहां भी है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? जो लाइक जो टर्म है उनके कोफिशियंट को आप इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए x का कोफिशियंट माइनस 18 है, यहाँ पे माइनस 3uv है, तो मैं लिख रहा हूं माइनस 3uv इक्वल टू माइनस 18। और देखिए माइनस uq प्लस vq इज इक्वल टू माइनस 35। ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे हमें uv जो मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, और अगर आप क्यूब करेंगे तो uq vq 6 का क्यूब करना है, मतलब 6 × 6 × 6 तीन बार करेंगे तो हमारे समझ से 216 आ जाएगा। आप चेक करके हमको बता सकते हैं कि 6 का क्यूब कितना आएगा। और राइट हैंड साइड में मतलब जो सेकंड जो आपका है uq प्लस vq आपका आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आ गया प्रोडक्ट ऑफ uq एंड vq और यहां पे सम ऑफ uq एंड vq आ गया। इसके बाद देखिए हम लोगों को एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है अनदर वेरिएबल में, अनदर मींस एक्स यू वी को छोड़ करके एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स uq और vq हो। तो अगर हमारे पास रूट्स दिए गए हैं और उन रूट्स के सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखते हैं, पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, फ्रेमिंग करने जा रहे हैं इन वेरिएबल टी में। तो देखिए तरीका यह है कि आप वेरिएबल का स्क्वायर कर लीजिए, आप जिसमें भी क्वाड्रेटिक चाहते हैं, और आप लिखेंगे सम ऑफ रूट्स लिखेंगे इनटू वह वेरिएबल होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, ये लिखने के बाद इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, यहां पे सम ऑफ रूट्स किसको लेंगे, uq प्लस vq को लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसको लेंगे, uq इंटू vq लेंगे। आप यहां रख लीजिए, ये देखिए टी स्क्वायर और सम ऑफ रूट्स तो माइनस 35 टी आ रहा है, और ये देखिए प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 216 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, किस वेरिएबल में है, तो वेरिएबल टी में है। अब हमें टी का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी में है तो हमें टी की वैल्यू चाहिए, मतलब टी की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ठीक है, कई तरीके हैं, तो या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए और नहीं तो फिर 216 या तो फिर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए।
तो देखिए एक तरीका है, उसको हम लोग फॉलो करें। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है और मिडिल टर्म आपका -35 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 216 है। और ये देखिए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 इंटू 216, तो 216 आएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि 216 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। 2 से अगर हम डिवाइड करें 216 में तो 104 आएगा और ये आपका आएगा, सॉरी 108 आएगा, और इसमें करेंगे फिर तो 54 आएगा और यहां देखिए 27 आ जाएगा। तो जरा देखिए ध्यान से, 2 into 2 into 2 8 हो जाएगा, 8 और ये 27 मिल गया फैक्टर। हमें यहां कितना लाना है, -35 लाना है। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पे अगर हम -35t के जगह पे अगर 8t इस्तेमाल कर लें, -27t कर लें, तो काम नहीं बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, ऐड करने पे दोनों नेगेटिव है तो -35t आ जाएगा, -80 इंटू -27 तो +216 आ जाएगा, जो कि 1 इंटू 216 के प्रोडक्ट के बराबर है। हम यहां पे फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, यहां पे हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, श्रीधराचार्य लगा नहीं रहे हैं। अब देखिए जरा यहां देखिएगा, इन दोनों में टी कॉमन यहां दिख रहा है ना, और ये आपका -8 और इन दोनों में -27 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और ये टी यहां देखिए प्लस है, यहां माइनस है, माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहां पे साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को यहां पे जो मिल रहा है टी माइनस 8 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा टी माइनस 27 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि टी इक्वल टू मिल जाएगा 8 मिल जाएगा और 27 मिल जाएगा। ठीक, आप देखिएगा आगे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है टी में है, टी वेरिएबल में है, तो टी की जो वैल्यू आई है 8 और 27 आई है। और ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी खासियत ये है कि ये ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट्स यू क्यू और वी क्यू है। तो जो टी की दो वैल्यू जो आई है उसमें से एक वैल्यू UQ होगी और दूसरी वैल्यू VQ होगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर एक वैल्यू UQ होगा जो कि 8 है और दूसरी वैल्यू VQ जो कि 27। अब इसमें से अगर आप 8 को UQ ले रहे हैं तो ये 27 VQ होगा, अगर आप 27 को UQ लेंगे तो 8 आपका VQ हो जाएगा। अब देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा, u बराबर 2 और यहां से v बराबर 3। सही मायने में यहां पर u की 3 वैल्यू जाएगी, यहां v की 3 वैल्यू जाएगी। तो मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से बता रहा हूं। अब एक्चुअली में x क्या है, x जो है आपका u प्लस v है, ये देखिए यहां से x इक्वल टू u प्लस v, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है x में है, तो हमें जो भी वैल्यू फाइंड करनी है x की ही निकालनी है। तो u की वैल्यू 2, v की वैल्यू 3, तो हमें जो मिलेगा x की वैल्यू 3 प्लस 2 5 मिल जाएगी। तो एक वैल्यू आ गया x की, बाकी हमें दो वैल्यू की तलाश है। तो देखिए उसके लिए हम करेंगे क्या कि by Horner's method method of synthetic division by Horner's method of synthetic division की बात कर रहे हैं। Horner's method पर वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, आप नहीं देखे हो तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए हॉर्नर्स मेथड करते क्या है कि
कोफिशियंट हम लोग लिखते हैं। यहां पे देखिएगा x क्यूब का कोफिशियंट कितना है, 1 है, तो आप लिखिए। और इसमें x स्क्वायर का टर्म नहीं है, एब्सेंट है, तो 0। x का टर्म -18 और ये 35। ये हमने एक लाइन खींच दिया ऐसे, और x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 5। 1 जो आपने लिखा है इसे आप कैरी कर लीजिए, सॉरी 1 को आप एज इट इज कैरी कर लीजिए, 0 नहीं। तो हमने 1 लिख दिया, यहां से देखिएगा 5 × 1 5, आप यहां लिखेंगे 0 5 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 × 5 25 आएगा, -18 और +25 ऐड करेंगे तो -7 आएगा, 5 × -7 तो आपका -35 आ जाएगा। इनको जो आप ऐड करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, ऐड करने पे 0 आ जाएगा, और यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो करने का मतलब ये है कि 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, इसका ध्यान से लिखिएगा, तो फ्रॉम 1। एक्चुअली देखिए सिंथेटिक डिवीजन लगा के हम करना क्या चाहते हैं उस बात को समझिए। हमें 1 को सॉल्व करना है और उसका एक रूट हमको मिल गया है 5। x की वैल्यू 5 है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम बाकी हमें 2 वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि किसी कोई भी इक्वेशन लिखा है, मान लीजिए क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो x के वे वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वही उसके रूट्स कहलाएंगे या सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो एक रूट हम लोगों को मिल चुका है x माइनस 5 किसका, सॉरी एक फैक्टर x क्यूब माइनस 18x माइनस 35 का। रिमेनिंग फैक्टर निकालने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगा रहे हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये प्लस 5 और ये x और ये माइनस 7। तो जो अदर फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। हमने लिखा x क्यूब माइनस 18x माइनस 35 के लिए x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। जब इनको आप इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा, और राइट साइड कितना है, 0 है, बाय 0 प्रोडक्ट रूल। तो आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5 ऑलरेडी आ चुकी है। अब हमें इसे सॉल्व करनी है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि दिस गिव्स आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने क्या किया है, हमने लगाया है 0 प्रोडक्ट रूल, बाय 0 प्रोडक्ट, बाय 0 प्रोडक्ट रूल लगाया है। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, एक क्वांटिटी x माइनस 5 है, दूसरी क्वांटिटी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 है, तो उसमें से एक क्वांटिटी निश्चित रूप से 0 होगी अकॉर्डिंग टू 0 प्रोडक्ट रूल। अब यहां से x इक्वल टू 5 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। हमें मेन इसे सॉल्व करनी है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट है इसका। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, a कितना है, a 1 है, b कितना है, 5 है, c कितना है, -7 है, ठीक है। अब हमें सॉल्व करनी है अगर, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिद्धार्थ फार्मूला है, ठीक है, चाहे आप फैक्टराइजेशन करें या ना करें, आप ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व होना ही होना है, ठीक है, चाहे क्वाड्रेटिक ट्रायंगल फैक्टराइजेबल हो या ना हो, ये तो फॉर्मूला लगना ही लगना है हर हालत में। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जरा ध्यान से देखिए, हमें इक्वेशन ये है, इसे हम लोग को सॉल्व करनी है। x बराबर क्या लिखेंगे, b माइनस b, b कितना है, 5 है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर, बी फाइव है, फाइव का स्क्वायर 25, माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपको 4 7 28 28 हो जाएगा, और ये है आपका 2 इंटू ए, ए की वैल्यू 1, तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस, दोनों को प्लस करिए तो ये आपका कितना आ जाएगा 53, बिल्कुल आ जाएगा 53/2। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास जो आंसर आया, क्या क्या आंसर आया, दैट इज देखिए x की वैल्यू 6 आ जाएगी और वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 53/2। यहां पे जो x है आपका रैशनल है और माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 53/2 क्या है आपका इरेशनल है, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इस मेथड को वी कैलकुलेट करते हैं। यहां से देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर आपका 3 है। राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी था लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, x इक्वल टू u प्लस b ले लिया, फिर हमने क्यूबिक किया है, फिर हमने 1 और 3 को कंपेयर किया है, यहां से u v आ गया और u q v q आ गया और u q v q भी आ गया। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया है t में, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स u q और v q हैं। तो फिर हमें यहां से t की वैल्यू आ गई 8.27। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू 8 और 27 में से एक वैल्यू जो होगा uq होगा, दूसरी वैल्यू bq होगा। तो uq is equal to 8 से u बराबर 2 आ गया और bq is equal to 27 से b is equal to 5 आ गया, x is equal to u plus b ने लगा लिए तो 2 plus 3 5 आ गया। फिर हम क्या करने जा रहे हैं कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करने जा रहे हैं बाय यूजिंग हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो यहां पे हमने कोएफिशिएंट लिख दिया, ये 1 एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, चूंकि एक्स स्क्वायर कंटेनिंग टर्म 0 है तो लिख दिया एब्सेंट है चूंकि, और एक्स का कोएफिशिएंट -18। देयर इज ए मिस्टेक, दैट इज हियर कॉन्स्टेंट टर्म कितना है -35 है और हम लोगों ने क्या किया है 35 लिया है। तो चलिए एक बार यहां से देखते हैं ध्यान से, 1 हमने कैरी कर लिया और ये 1 इंटू 5 0 5 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 इंटू 5 25 लिख दिया। और ये देखिए हियर आल्सो वन मिस्टेक, आप लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दिया करिए, प्लस 25 में से -18 माइनस होगा तो ये पॉजिटिव आएगा ना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस करते हैं साइन बड़े वाले का, बड़ा कौन है 25 का साइन पॉजिटिव रहेगा। अभी देखो 5 इंटू 7 35, ये पॉजिटिव, तो -35 और प्लस 35 जीरो हो गया, तो कुल मिलाकर के फिर यहां पे चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो फिर ये चेंज होगा ऐसे और सी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तब देखिए पूरी गणित ही चेंज हो गई। थोड़ा सा भी अगर साइन का गड़बड़ी हुआ तो देखिए पूरी सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमेशा केयरफुल रहना है। जैसा कि यहां देखिए कोएफिशिएंट इकट्ठा करते समय मिस्टेक हो गया था, ये तो शुक्र है कि मैं इसको रिकैप्चुलेट करने लगा, मैं तो गलती ही पकड़ में नहीं आता, ऐसे ही चला जाता है वीडियो, कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए कभी कभी, ठीक है, आप लोग चौकन्ना रहा करिए, टीचर के साथ साथ रहा करिए हमेशा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द बेस्ट जज। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए बी स्क्वायर, बी फाइव है 25 माइनस 4 इंटू ए 1 और सी 7 28 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है यहां पे 25 माइनस 28, तो 25 देखिए छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है, तो यहां पे 53 नहीं होगा, ये होगा माइनस 3 होगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहां कुछ इस टाइप से हो जाएगा, रूट में माइनस 3 आ रहा है मतलब ये आई रूट 3 हो जाएगा, आई रूट 3 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमें देखिए क्या क्या मिला, हमें x की वैल्यू क्या क्या मिली, हमें जो मिली x की वैल्यू यहां से देखिए
दैट इज एक्स इक्वल टू इतना और ये माइनस रूट थ्री। एक बात और, सॉल्यूशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर हमने माइनस फाइव प्लस माइनस आई रूट थ्री लिया है और यहां पे हमने लिखा है माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो इट मीन्स आई एम सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी सिक्स और माइनस फाइव प्लस आई रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, और वी कैन से माइनस फाइव माइनस आई रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो इसका जो सॉल्यूशन आया एक्स इजकल टू फाइव ईयर फाइव सॉरी हियर आई हैव रिटन हियर फाइव सॉरी सिक्स एंड हियर आल्सो इट शुड बी फाइव। तो इस तरीके से जो गिवन जो क्यूबिक इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन थ्री सॉल्यूशन आया, पहली सॉल्यूशन एक्स इजकल टू फाइव, सेकेंड सॉल्यूशन माइनस फाइव प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू एंड थर्ड सॉल्यूशन माइनस फाइव माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में क्यूबिक इक्वेशन को किस तरीके से कार्डिनल्स मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।